नमस्कार, एनसीबी का बॉलीवुड पर कसता शिकंजा। सुशांत मामले में करण और सलमान समेत 8 को नोटिस। मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 8 फिल्मी हस्तियों को खुद या अपने वकील के माध्यम से उनके कोर्ट में हाजिर होना होगा। हाजिर होने की तारीख 7 अक्टूबर तय है। ये आदेश सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाला, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, भूषण कुमार और दिनेश विजयन के लिए जारी किया गया है। इस मामले में इन सबको कोर्ट नोटिस भेजा जा चुका है। इन फिल्मी हस्तियों को अधिवक्ता सुधीर ओझा ने सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार बताया था। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से सीधा लिंक। इसके अलावा एनसीबी की टीम ने राहिल के घर से 4.5 लाख रुपए कैश भी मिला है। खबर है कि राहिल का बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से सीधा लिंक था और वह बॉलीवुड की पार्टियों में आया भी करता था। रिया ड्रग्स केस में एनसीबी की टीम मुंबई से लेकर गोवा तक ड्रग्स नेटवर्क की तलाश में जुट गई है। जितने भी ड्रग पेडलर पकड़े गए हैं उनके कनेक्शन शौविक और रिया से मिले हैं। एनसीबी की टीम चाहती है कि वह इन पेडलर के जरिए इस पूरी चेन का पता लगाए, जिससे मुंबई के साथ ही पूरे देश में पहुंचाई जा रही ड्रग्स के नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। न्यायिक हिरासत में कीमत करीब 30 से 40 लाख। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर और उनकी टीम ने मुंबई के पोवाई में छापा मारा है और 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इनके पास से भी टीम को 500 ग्राम के करीब बड मिली है। 1 ग्राम बड की कीमत 6 से 8 हजार के बीच बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बाजार में इस पूरी बड की कीमत करीब 30 से 40 लाख के आसपास है। पहले की इसमें एनसीबी ने रिया, उनके भाई शौविक राजपूत के प्रबंधक सैमुअल मिरांडा, घरेलू सहायक दीपेश सावंत और अन्य को गिरफ्तार कर चुकी है। वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं। एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है। एनसीबी की टीम ने इस मामले में एक बड़े ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। राहिल विश्राम नाम के इस ड्रग पेडलर के पास से एनसीबी को तकरीबन 1 किलो ड्रग्स मिली है। इन ड्रग्स की कीमत 3 से 4 करोड़ के आसपास है। 14 जून को एक्टर सुशांत ने सुसाइड कर लिया था। तब से इस मामले को नेपोटिज्म से जोड़कर देखा जा रहा है। बॉलीवुड के कई लोगों को इस मौत का जिम्मेदार ठहराया गया था। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गुंज न्यूज डेस्क के साथ।